प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब पे ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, अभी प्रीव्यू में अपने वीडियो जो देखा तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। दोस्तों ऐसे तो ये टिकटॉक का ट्रेंडिंग वीडियो है, बट टिकटॉक तो इंडिया में बैन है, तो यहाँ पे ये रील्स पे चल रहा है और काफ़ी लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि आपके लिए मैं इसका शॉर्टकट ट्यूटोरियल ला दूँ। तो गाइस, मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि लिंक पे आपको क्लिक कर देना है जाकर। सिंपली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर टच कर देना। जैसे ही टच करेंगे आपका फ़ोन कुछ इस तरह से वर्क करेगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे तो मैंने VPN ऑन कर रखा है तो ये खुल गया, बट आपका नहीं खुलेगा। तो आपको सबसे पहले VPN ऑन करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं ट्रूवो VPN मैंने ऑन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं VPN यहाँ पे मेरा कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्ट टू अनटाइल्ड स्टेटस लिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट लिख रहा है, ठीक है? तो आपको VPN ऑन कर लेना है। VPN ऑन करने के बाद जैसे ही लिंक पे ओपन करेंगे तो लिंक कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूज टेम्पलेट इन कैपकट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरह से लेकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सॉन्ग भी आप चेंज कर सकते हैं, बट सॉन्ग चेंज करने के लिए प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले यूज टेम्पलेट जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना। देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 फोटो आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस फोटो में चलते हैं। देन फोटो में जाने के बाद जो भी फोटो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हैं, उस फोटो को ले लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो है, तो मैं इसमें से ही कुछ फोटो तब तक के लिए ले लेता हूँ जिसमें मैं एडिटिंग करके बता सकूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 फोटो सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेकर कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाने लगेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे सही है नहीं। तो मेरा फर्स्ट फोटो जो है थोड़ा सा कट रहा है, तो इस पर क्लिक करके एडिट में जाएंगे और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है, क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, तो क्रॉप पर क्लिक कर लेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, देन कन्फर्म कर देंगे। तो आप देख सकते हो फोटो हमारे यहाँ पर फिट हो गया। तो इस तरह से आप भी एडजस्ट कर लीजिए। देन एडजस्ट करने के बाद ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क आ रहा है, इस पर टैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद ये बिना वाटरमार्क का आपका जो वीडियो है यहाँ पे सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सेव हो जाए, तो अब सॉन्ग चेंज करने की बात कर लेते हैं। सिंपली यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ से बैक आइए। बैक करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन यूज आप कर सकते हैं, जैसे मैं कैपकट को ही यूज करके आपको दिखा दूँ। तो कैपकट में आ जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम बनाकर लाए हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। मेरे भी यहाँ पे वाटर मार्क नहीं आता, आप में आएगा तो आप इसे हटा दीजिएगा। देन हटाने के बाद इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका साउंड जो है पहले से जो साउंड है उसे म्यूट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक सॉन्ग की जरूरत होगी, तो जो भी सॉन्ग आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली साउंड्स पर क्लिक करके भी आप साउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ढेर सारे साउंड मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरा कोई साउंड लगाना चाहते हैं जैसे फाइल से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। अगर किसी वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके वीडियो से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फ्रॉम डिवाइस से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके डिवाइस में होगा उसमें से भी सॉन्ग लगा सकते हैं। तो गाइस मेरे पास जो सॉन्ग उसमें लगा हुआ है मैं रहने देता हूँ। अब लगाने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, आपका साउंड चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी साउंड को रहने देता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस वीडियो बताना था इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी एडिटिंग करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।